दांव पे लगा है सब कुछ, अब रुक नहीं सकते, टूट सकते हैं मगर अब झुक नहीं सकते। दूसरा टेस्ट मैच, दूसरा दिन, और ये एक निर्णायक दिन साबित हो सकता है इस टेस्ट मैच का। प्ले प्ले द कॉल, ये चले बुमराह। सर के ऊपर से निकल गई। बहुत बढ़िया शुरुआत, इसी की जरूरत थी यहां। और जब भी विकेट की जरूरत होती है, बुमराह हमेशा वहां नजर आते हैं। ये बढ़िया गेंद, बाल बाल बचे यहां पे। भारतीय टीम ने दिए यहां पे चार, नहीं बुमराह कट कर जाएंगे। कट करना चाहिए था, कर नहीं पाए। यहां पे गेंद ऊपर गई है, मिड ऑन, रुचि रखेगा और विकेट ही होगी। सिराज और बुमराह का कॉम्बिनेशन आज सुबह के लिए दूसरी सफलता लाए काइल बरेना के रूप में। 13 रन से अभी पीछे दक्षिण अफ्रीका और अब आधी बैटिंग वापस ड्रेसिंग रूम में। अच्छा शॉट, थोड़ी दूर थी अगेन मार्को यानसन। अर्धशतक मार्करम के नाम, और ये अर्धशतक बनाया भी तो कितनी खूबसूरती से, ये ड्राइव खेल के बनाया। ऊपर से निकल गई, कोशिश की थी वहां पे जायसवाल ने। चलिए कॉटन बोल्ड, आज का दिन बुमराह के नाम, एक और विकेट उन्होंने हासिल की है यहां। क्या शॉट खेला है भाई, कितना समय था यहां पे एडन मार्करम के पास। चलिए पांचवा विकेट बुमराह के नाम, जो कमाल पहली इनिंग में सिराज ने करके दिखाया था, अब बारी है जसप्रीत बुमराह की। क्या बात है, और अब आप जब लाए तो स्ट्रेट ड्राइव लग गई, तब गेंदबाज ने अपनी लाइन और लेंथ बदल दी। या ये थोड़ी समस्या है भारत के लिए। सफलता लगभग हाथ थी के और राहुल के, सेलिब्रेशन शुरू कर चुके थे सब। छठी विकेट जसप्रीत बुमराह, हाथ तो आई लेकिन मुंह ना लगी। अब एक ही गेयर में खेलेंगे और शायद और ज्यादा आक्रामक अंदाज अपनाए प्रसिद्ध कृष्णा के सामने मार्करम। एक और कड़क शॉट एडन मार्करम कबूल करते हुए हार्ड लेंथ प्रसिद्ध कृष्णा की। एडन मार्करम ने कहा चलिए, फील्डर्स को आपने अंदर बुलाया, गेंद को बाहर भेजा जाए, काउंटर अटैक एक बेहतरीन अंदाज में। सिंगल नहीं, टाइमिंग अच्छी है, गेंद जाएगी बाउंड्री की तरफ। वाओ, गजब का शॉट खेला है जसप्रीत बुमराह के सामने फील्ड को खेलते हुए। 98 पे मार्करम, मैदान पे जहां गेंदबाजों के लिए परिस्थितियां स्वर्ग सी थी, बल्लेबाजी का फरिश्ता बन के उतरे हैं दक्षिण अफ्रीका के लिए एडन मार्करम। गेंदबाजी के तहलका के बीच में सातवां टेस्ट शतक। फील्डर डीप में है लेकिन बिल्कुल समय मिलेगा नहीं। कौन इंटरेस्टेड है, बहुत ऊपर गई है, खुद कप्तान मौजूद है, गलती नहीं करेंगे। एडन मार्करम की ये लाजवाब पारी को समाप्त किया है मोहम्मद सिराज ने, थोड़े इमोशंस का रिलीज कप्तान रोहित शर्मा द्वारा। लेकिन इस समय इन सेलिब्रेशंस के इर्द गिर्द आज सुबह का ये शो एडन मार्करम के नाम। अब रबाडा ने मन बनाया, रोहित शर्मा काफी बिजी रहे हैं, पहले मार्करम का कैच और अब वाइड मिड ऑफ है खगीसो रबाडा का प्रसिद्ध कृष्णा के लिए आखिरकार।
एक विकेट, एक सफलता। रन डाल दीजिए खाते में। चलिए हो गया काम यहां पे, एक बार फिर काम आए यहां पे बुमराह, और दक्षिण अफ्रीका हो गई है ऑल आउट। छठा विकेट बुमराह के नाम। बेहतरीन गेंदबाजी एक बार फिर, जिस काम के लिए लेके आए थे कप्तान रोहित शर्मा जसप्रीत को, उन्होंने वो काम बखूबी निभाया अपने स्पेल के पहले ही ओवर में। वहां चलता किया बल्लेबाज को, जो जरूरत थी भारतीय टीम के नजरिए से, वो 7 विकेट लेने में कामयाब हुए भारतीय गेंदबाज। भारत को ये मुकाबला जीतने के लिए 79 रन बनाने हैं, 79 रन बना के ये मुकाबला जीत सकती है भारत। और अब देखना है कि भारतीय बल्लेबाज किस तरह से मुकाबला जिताएंगे। ये लीजिए, ये देखिए जरा तेवर यशस्वी जायसवाल के, पहली गेंद अब भेज दिया उसे बाउंड्री की तरफ। इन्होंने अपने इरादे साफ कर दिए और इस बार कैच छूट गया। अब ये भारी पड़ेगा क्योंकि रन ज्यादा है नहीं आपके पास, हर मौका जो आपकी तरफ आता है उसको पकड़ना होगा। एक और बॉल और वो भी बाउंड्री की तरफ जाती हुई, हल्के हाथों से उसे खेला, थर्ड स्लिप और गली के बीच में जो गैप था उसके बीच से गेंद। लगे रहो जी, बिल्कुल ऐसे ही लगे रहो, जहां चूक हो गेंदबाज से उसका पूरा फायदा उठाओ। ये शॉट देखेंगे, पहले गैप मिल गया यहां पे एक बार फिर जायसवाल को, जगह बना के ये शॉट खेला है, जगह बना के, और इस टीम में भी अपनी जगह बनाई है इस बल्लेबाज ने। मारना कहीं चाहते थे, गेंद कहीं गई, लेकिन 4 रन मिल गए, वही चाहिए इस वक्त। ये होता है जब लेंथ आगे लेके आप चलते हैं, ये होता है। जबरदस्त शॉट यहां पे, और इस बार फंस गए वो, थोड़ा सा संतुलन भी अपने शरीर का खो बैठे थे और इसी वजह से शायद उतनी ताकत को लगा नहीं पाए उस शॉट में। पहली विकेट भारत ने खोई। बहुत ही जबरदस्त शॉट, जब ऐसा बैटिंग करते हैं ऐसा लगता है कि बिल्कुल पाटा विकेट है, लेकिन ये तो नहीं है। पीछे से फील्डर निकल गया मौका हाथ से, थोड़ा रूम बना के स्लाइस किया था गेंद को रोहित शर्मा ने। ये क्लोज चांस, आसान कैच नहीं था ये, काफी डिस्टेंस कवर करना पड़ा। ये शुभमन गिल अलग अंदाज है, थोड़ा चांटा सा लगाया गेंद को, रूम बना के यहां पे खुद तैयार किया वो रूम। उसके बाद दोबारा स्टंप्स पे निशाना साधा और सफलता। विराट कोहली मैदान में आते हुए ये दूसरी सफलता, यशस्वी जायसवाल के बाद शुभमन गिल के रूप में, एक नांद्रे बर्गर को, लेकिन यहां पे खगीसो रबारा ने वापसी की है। पैर पे बहुत अच्छा खेलते हैं, जरूर ऐसा लगा एक वक्त, थोड़ा सा लेट हो गए विराट कोहली। 4 रन खत्म होगा रोहित शर्मा की एक लॉफ्टेड ड्राइव के साथ। बहुत ज्यादा ऊंची चली गई है गेंद, बहुत ज्यादा ऊंची, और क्या छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया डिसोर्सी ने। भारत को जीत की ओर, विराट कोहली अपने लय में, अपने स्टाइल में रन बनाते हुए। 92 करोड़ मिनट का टाइम देखा गया, रिव्यू मांगा गया है। Rolling through. Yeah, well, just running there through, yep.
Okay, back on field. We have a spike when the ball is on the glove. Langdon will get to change the signal. Signal now. Thank you. Two out. निर्णय बदलना पड़ेगा सही रिव्यू लिया था वहां आखिरी गेंद इनकी और ये रहा वो मोमेंट ये रहा वो मोमेंट रच दिया है इतिहास क्या बेहतरीन मैच जीत के दिखाया यह भारतीय टीम ने चकनाचूर कर दी है न्यूलैंड्स की अखाड़ चकनाचूर कर दी है अकड़ तोड़नी है उन मंजिलों की जिनको अपनी ऊंचाई पे गुरूर है और जब आप ऐसी मंजिलों की अकड़ तोड़ते हैं और उनका गुरूर तोड़ता है तो एक भारतीय के तौर पे आपको सुरूर मिलता है टूटा गुरूर और मिला सुरूर तो ये कुछ हुआ है यहाँ पे न्यूलैंड्स के मैदान पे 55 रन बनाए दक्षिण अफ्रीका ने जवाब दिया भारत ने 153 रनों से और फिर एडन मार्करम का वो शतक याद रखेंगे आप कई दिनों तक याद रखेंगे वो शतक 176 रन बनाए दक्षिण अफ्रीका ने और भारत ने 7 विकेटों से ये मुकाबला जीत के इस श्रृंखला को 1-1 की बराबरी पे ले आए The winning captain here at Newlands is Rohit Sharma. He will now receive the trophy alongside Dean Elgar. South Africa and India share the Freedom Series 1-1. It's the first time since 2010-2011 that India draw a test series in South Africa. Congratulations to India and South Africa for a wonderful series and entertaining all of us this festive season.